नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, क्योंकि इस टाइम में सर्दियों का टाइम है और इस टाइम में जो सबसे ज्यादा लोगों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं वो हाइबरनेशन में और डेथ में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। यानी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके टर्टल की डेथ हो गई है या उनका टर्टल जो है हाइबरनेशन में चला गया है। देखिए, हाइबरनेशन में क्या होता है, हाइबरनेशन में हमेशा आपको अपने कछुए के अंदर मूवमेंट मिलेगी, यानी उसकी आईज क्लोज और ओपन होती रहती रहेंगी। उसका रेस्पिरेशन रेट, यानी उसकी नाक के आप आगे उंगली लगाएंगे तो आपको जो वो सांस इनहेल या एक्सेल करेगा तो आपको हमेशा महसूस होगा। ये जो है हाइबरनेशन की एक कंडीशन है कि वो जीवित अवस्था में होता है। तो आप और डेथ वाली कंडीशंस में, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, उनके कछुए की डेथ हो जाती है और वो ये मान के चलते हैं कि ऑटोमेटिक वो उसको हाइबरनेशन में मान लेते हैं। देखिए, जिंदा कछुए में मरे हुए कछुए में क्या डिफरेंस है। यदि आपको जरा सा भी डाउट है कि आपका कछुआ मर चुका है, वो हाइबरनेशन में नहीं है, उसका सबसे बेस्ट तरीका मैं अपने पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आप कोई भी नुकीली चीज लेके, जैसे निडल प्रिक कीजिए उसके पैरों के अंदर, किसी भी अगले पैर में या पिछले पैर में आप स्विच ऑफ होकर के देखिए। यदि आपका कछुआ जिंदा होगा तो ऑटोमेटिक, जैसे हमारे पैर में कहीं भी कांटा चुभ जाता है, एकदम उसका सेंसेशन हमारे बॉडी में उसका रिफ्लेक्स मिलेगा। जैसे ही हम उसमें कोई नीडल प्रिक करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका कछुआ आपको रिफ्लेक्स देगा, यानी वो जिंदा होगा। यानी आप ये कह सकते हैं हाइबरनेशन में होगा तो एकदम से छटपटाएगा, इट मींस आपका कछुआ जिंदा है। यदि उसकी डेथ हो चुकी होगी तो उसमें कोई भी मूवमेंट या कोई भी उसकी बॉडी के अंदर सेंसेशन आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप हाइबरनेशन में और मरे हुए कछुए में आप डिफरेंस आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपका कछुआ हाइबरनेशन में है, हाइबरनेशन में यदि वो उसको हम कह सकते हैं वो जिंदा तो है, रेस्पिरेशन भी ले रहा है, लेकिन उसकी बॉडी की मूवमेंट काफी स्लो हो चुकी है। ऐसी कंडीशंस में हमें उसकी देखभाल की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सर्दी का टाइम है। एक तो हमें उसे पर डे पानी के अंदर, यानी गुनगुने पानी में उसको डिप करना चाहिए ताकि वो अपने बॉडी का मॉइस्चर लेवल मेंटेन कर सके। विटामिन ए की पूर्ति उसको कैसे करनी है, हफ्ते में 2 या 3 बार उसको गाजर के जूस के अंदर गुनगुना पानी ऐड करके आप उसको डिप कीजिए ताकि विटामिन ए की पूर्ति उसकी बॉडी के अंदर होती रहे। उसकी बॉडी की एक्टिविटीज है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो प्रॉपर काम करते हैं। ऐसी कंडीशंस में आपको यूवी लाइट का एक्सपोजर आपको जरूर देना चाहिए ताकि हम उसको ठंड से बचा सकें। दूसरा, यूवी लाइट का क्या होता है, जो यूवी लाइट की जो रेज होती है, जो सनलाइट की रेज होती है वो सेम होती है। जब यूवी बी लाइट की रेज में आपका कछुआ हाइबरनेशन में, उसको यूवी लाइट डेली मिलती रहेंगी तो आप ही मान के चलिए कि उसके इंटरनल बॉडीज के ऑर्गन्स जो है प्रॉपर तरीके से काम करते रहेंगे और वीकनेस उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। विटामिन ए आप दे रहे हैं, पानी उसका मॉइस्चर लेवल आप मेंटेन कर रहे हैं। एक मैं आपसे जरूर कहूंगा कि उसकी जब आपको लगता है कि आपका कछुआ हाइबरनेशन में, कभी भी उसको डायरेक्ट हीटर के सामने मत रखिए। हीटर के सामने रखने से क्या होता है कि ऑटोमेटिक उसमें डिहाइड्रेशन, यानी उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और आपके कछुए की डेथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है। और जो यूवी लाइट होती है वो सेफ होती है, इसलिए रूम हीटर ना लगाए, जो यूवी लाइट है वो ज्यादा सेफ होती है। इसलिए हीटर और यूवी लाइट में भी डिफरेंस है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि सनलाइट, देखिए सनलाइट में रखने का फायदा जब भी है, क्योंकि मोस्टली इस टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सेस में डाउन है। यदि आप सनलाइट में रखते हो और एक्सट्रीम कोल्ड हवा ठंडी चल रही है तो ऑटोमेटिक उसकी बॉडीज को जितनी हीट मिलनी चाहिए ऑटोमेटिक वो नहीं मिल पाती है। और जो यूवी रेज होती है पार्टिकुलर, उसकी बॉडी के एक पॉइंट पर जब मिलती है तो ऑटोमेटिक उसकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होती है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को या उसकी जो ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है उनको रेगुलर करती है। इस तरीके से यूवी की रेज दे करके हम उसको हेल्दी रख सकते हैं और यूवी लाइट उसको जिंदा रखने में भी काफी हेल्प कर सकती है। इसलिए ये जो मेरा वीडियो का टॉपिक है कि बहुत से लोगों का जो क्वेश्चन होता है कि आपका कछुआ हाइबरनेशन में ही है या उसकी डेथ हो चुकी है, इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा YouTube ने आप सब लोगों की फैसिलिटी के एक हमारे चैनल के ऊपर एक ज्वाइनिंग का बटन ऑप्शन आपको दिया है। आप ज्वाइनिंग का बटन आप जाकर के उसको ज्वाइन करके आप डायरेक्ट हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
जो ज्वाइनिंग मेंबर्स हैं उनके लिए हम स्पेशल अलग से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उस टॉपिक पे अलग से भी वीडियो बनाते हैं। वो जो स्पेशल जो मेंबर्स होते हैं केवल वही उस वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।